इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुर्रम शहबाज आज नए एपिसोड के साथ आपके साथ एक नए एपिसोड में। आज हम नए गेस्ट के साथ हैं। अभी मैं आपको गेस्ट का तारफ भी करवाऊंगा। ये भी वही सेम मोटिवेशनल प्रोग्राम है व्यूअर्स। बहुत देर के बाद आज दोबारा स्टार्ट हुआ है मोटिवेशनल प्रोग्राम। कुछ वजूहात की बना पर डिले था, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उनसे मिलते हैं। रेवरेंट डॉक्टर दानिशमंद वास्ती साहब हैं। इनका तालक भी 371 यंगसन आबाद से है और ये स्टार फिश उनके नेशनल डायरेक्टर हैं। स्क्रिप्टर यूनियन के भी नेशनल डायरेक्टर रहे हैं और आज इनसे बात करते हैं। इन्होंने ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, तालीम कहाँ से हासिल की है और ये स्टार फिश में कैसे आए हैं। तो आए इनसे मिलते हैं जनाब रेवरेंट डॉक्टर दानिशमंद वास्ती साहब। रेवरेंट जनाब डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और आपका तल्लक एक ऐसे गांव से है जो इस वक्त खुदावन के फजल से एक नामी ग्रामी शख्सियत वहां से निकले। वहां से जितने लोग निकलते हैं कोई अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। आप हमारा जहां तक नॉलेज है वो ये है कि वहां से स्पीकर भी उसी गांव से पैदा हुए थे, यंगसन आबाद से। खुदावन का शुक्र हो जी। थैंक्स गॉड। और आपने तालीम भी वहीं से हासिल की है? मेरी उम्र भी ज्यादा है और थोड़ी मेरी हिस्ट्री लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज इस अच्छे वक्त के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नाजरीन को बयान कर सकूँ। और उम्मीद है कि मेरी ज़िंदगी कुछ तजर्बात कुछ ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस बनेंगे और कुछ के लिए मेरा ख्याल है आगे बढ़ने का मौका भी फराहम करेंगे। जैसे आपने सवाल किया मेरी तालीम के तालक से, तो मुझे याद पड़ता है कि मैं जब दाखिल हुआ तो यंगसन आबाद में प्राइमरी स्कूल था, लड़कियों के लिए वो मिडिल स्कूल था और लड़कों के लिए प्राइमरी स्कूल था। और उसके बाद फिर हाई हिस्से के लिए हमें माटनपुर के स्कूल में जाना पड़ता था। तो मैंने पाँचवीं तक यंगसन आबाद में तालीम हासिल की और टाटों पे बैठते थे। बड़ा अच्छा वक्त याद आता है, दरख्तों के नीचे बैठते थे। लेकिन खुदा उनका शुक्र हो के उस वक्त के जो उस्ताद थे वो बड़े कमिटेड थे, उन्होंने अच्छी बुनियाद डाली और हम आगे बढ़ते रहे। फिर छठी क्लास में मैंने बाटनपुर में दाखिल हुआ, लेकिन फिर खानदानी तौर पर पेरेंट्स ने शायद ज़्यादा और मुनासिब समझा कि मुझे सियालकोट CTI स्कूल, जो क्रिश्चियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सियालकोट कन्वेंशन मुनक्कद होती है, उस स्कूल में दाखिल किया गया और फिर वहाँ से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। दानिशमंद वास्ती, इतना बड़ा और इतना लंबा नाम, ये कैसे माँ बाप ने सोचा? हाँ, अगर आप मेरे माँ बाप के बारे में सुनेंगे तो थोड़ा हैरान होंगे कि मेरी माँ कुछ पढ़ी लिखी थी, बाप मेरा बिल्कुल अनपढ़ था। अच्छा। बिल्कुल अनपढ़ और खेतीबाड़ी करने वाला, लेकिन हमारी जो फुफियाँ थी वो पढ़ी लिखी थी और उन्होंने नाम जो थे ना वो हमें बड़े अच्छे दिए। हम पांच भाई हैं और तीन भाइयों के नाम मंद के साथ हैं। मेरा बड़े भाई का नाम अर्जमंद है। अच्छा। अर्जमंद वास्ती, और उसके बाद फिर मैं हूँ, मुझे नाम दिया गया दानिशमंद वास्ती। और फिर मुझसे छोटा भाई, उसका नाम जफरमंद वास्ती। अच्छा। और फिर रोबन वास्ती है और अजाज वास्ती है। तो ये वास्ती फैमिली से तालक हुआ आपका? मेरा तालक वास्ती फैमिली से है और इस तरह से ये नाम जो है ना असल में हमारे दादा का नाम है, वास्ती। वास्ती और फैमिली नेम हुआ। फैमिली नेम, फिर उधर से फिर जितने उनके बाद बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो सारे वास्ती से। टाट पे बैठ के पढ़ने वाले दानिशमंद वास्ती साहब ने लास्ट एजुकेशन क्या हासिल की? हाँ, मैंने मेरे कॉलेज से बीए किया और फिर ये खुदावंद के काम है कि वो किस तरह आपके लिए रास्ते हमवार करता है। तो मैं यूथ, नौजवान होते हुए एक कैंप पे गया और खानसपुर अयूबिया मरी से आगे एक जगह है जहाँ क्रिश्चियन सेंटर है, NCCP की तरफ से बनाया गया, पता नहीं वो अब कैसा चल रहा है, लेकिन वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ 1981 में PFES एक अदारा है यहाँ पे, और वहाँ पे मैं तो अपने एक जगह को देखने के लिए, खूबसूरती को देखने के लिए वहाँ पे गया,
लेकिन मैंने वहाँ पे अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को दी। जबरदस्त, अच्छा मौजज़ा हो गया वहाँ पे आपके साथ। हाँ जी, तो ये मुझे वक्त भी याद है और साल भी याद है। तो ये 11 जुलाई 1981 में हुआ। तो ये आपने कैसे सोचा कि आपकी जो लाइफ है वो स्पिरिचुअल होनी चाहिए, खुदा के साथ होनी चाहिए? खुदा ने आपको बड़ा मौका दिया और आप वहाँ पे जाके अपनी जिंदगी को चेंज किया। कैसे सोच लिया कि आप पास्टर बनेंगे? डॉक्टर डॉक्टर क्यों नहीं बने? डॉक्टर दानिशमंद वास्ती अगर पीछे से रेवरेंट खत्म कर दें। हाँ, तो अब देखिए बात ये है कि ये जो जर्नी है, ये लाइफ जर्नी जो है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत दफा हम समझते हैं कि मैंने किया, मैंने ऐसे किया, वो खुदा की तरफ से है। सही, वहां मुझे ले गया और फिर 1983 में मैंने इसी तरह से अपना जो है ना वो सिलसिला जारी रखा जिंदगी का। और 1983 में मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री को ज्वाइन करने का इरादा किया और एक अदारा यहाँ पाकिस्तान में खिदमत कर रहा है, उसका नाम कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट है। तो कैंपस क्रूसेड, हाँ जी। तो 1983 में मैंने कैंपस क्रूसेड ज्वाइन किया। दो साल मैंने बड़ी जाफिशानी से खिदमत की और खिदमत आपको पता क्या थी? मैं जीसस फिल्म दिखाता था। और कैंपस क्रूसेड का मेरा ख्याल मेजर काम यही है। नहीं, वो असल में तो कैंपस है, यूनिवर्सिटीज में यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको कलाम सुनाना है। तो मैं बेशक कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ मेरी ज़्यादा जो मुझे उन्होंने एज ए स्टाफ लिया वो जीसस फिल्म स्टाफ था। तो मैंने अपने हाथों से 200 से ज़्यादा शोज़ किए हैं जीसस फिल्म के। ज़बरदस्त। और वहाँ पे जब था तो नौजवान थे, बड़ा जज्बा था और फिर ये है कि बंदा तब्दील हो सकता है, फ़र्क हो सकता है कि मुझे मेरे यहाँ मेरे एम्स ये होने चाहिए, मेरे एम्स ये हो चाहिए। लेकिन खुदा ने मेरी राहों को मुआर करने के लिए मुझे कुछ तजर्बात से गुजारा। ये जो स्टार फिश है जी, ये जहाँ तक हमारे नॉलेज में आता है स्कॉलरशिप के लिए है, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, एजुकेशन में बेसिकली आप चाह रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पे सरवाइव कर सके, जो लोग फीस नहीं दे पा रहे या कुछ लोग ऐसे हैं जो दाखिला नहीं करवा पा रहे होते, पेरेंट्स कुछ पीछे हैं, मैं अगर उन्हें अनएजुकेटेड भी कहूँ तो यानी इस तरह भी कहा जा सकता है उनको, क्या आप उनको इस तरह की तालीम भी देते हैं या सिर्फ स्कॉलरशिप देते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए उनकी फीस देते हैं? नहीं, ये आखिर में मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करना चाह रहा था, लेकिन खुदावन ने जब इन सारे हिस्सों से मुझे गुजारा तो यहाँ पर खुदा ने जब मुझे पहुँचाया है तो मैं समझता हूँ कि खुदा की एक बहुत बड़ी मेहरबानी हुई है मुझ पर। और वो मेहरबानी ये है कि मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था मई में, इस मई में एक साल होगा, लेकिन मुझे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ स्टारफिश स्कूलों को की मदद कर रहा है वहाँ पे जाकर देखूँ। तो आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि हमारा जो तालीम का मेयार है वो बैलेंस्ड है। हम सिर्फ ये नहीं कि मसीही बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, सेकुलर एजुकेशन या एकेडमिक्स जो उनकी वो करें, इसके साथ साथ उनको रूहानी तालीम का बहुत ज़्यादा जोर है। तो बकायदा कुरिकुलम के साथ हम उनको पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि स्टारफिश कोई अपने स्कूल नहीं खोलता। इस वक्त 47 स्कूल हैं जिनके हम पार्टनर्स हैं और उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो वो ये है कि हम देखते हैं कि जो स्कूल खोले गए हैं उनका तालीम का जो देने का मियार है वो क्या है। और फिर जो जहाँ जहाँ स्कूल खोले गए हैं, कुछ तो लोगों ने कमरों में स्कूल खोले, एक दो कमरों में स्कूल खोले, फिर हम जिनके साथ पार्टनर्स हुए हैं तो हम देखते हैं कि वो कमरे हवादार होने चाहिए, वहाँ वॉशरूम्स होने चाहिए, बच्चों को साफ पानी मिलना चाहिए और कमरों में पंखे लगे होने चाहिए। तो स्कूल डेवलपमेंट के लिए हम ये भी काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो ना सिर्फ आके
उस जो भी अवेलेबल है उसके मुताबिक करें, लेकिन खुदावन जो वसाइल हमें दिए हैं तो हम डेवलपमेंट के लिए काम करें। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है जो आपकी सोच है। देखें आपने अपना वक्त देखा है, एक कार पे बैठ के, पंखे नहीं है, दरख्तों के नीचे खुद कह रहे हैं, और कितना अच्छा लगता होगा जब आप ये सोचते हैं कि यार जो हमारी न्यू जनरेशन है वो बच्चे कम से कम और कुछ नहीं, एक छत के नीचे बैठे, पंखों के नीचे बैठे और अच्छी एजुकेशन हासिल करें। तो आप स्क्रिप्चर यूनियन में रहे हैं, ये बेसिकली संडे स्कूल के ऊपर होता है, इनका जितना भी मटेरियल्स है वो संडे स्कूल के ऊपर ही है। मैंने 22 साल खिदमत की है। जबरदस्त बड़ा टाइम गुजारा है आपने वहाँ। लेकिन ये है कि मैं डायरेक्टर के तौर पर सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठता था, मैंने खुद फील्ड में जाके खिदमत की है। तो दो बड़े मकासद हैं स्क्रिप्चर यूनियन के। एक तो ये है कि रूहानी तरक्की के लिए हम बुक्स प्रिंट करते थे, बल्कि अभी भी कर रहे हैं, मैं नहीं वहाँ पे। और एक किताब थी हमारी रोज की रोटी, अभी भी वो बचपन से देखते आए हम, रोज की रोटी, और उसमें उसमें हर दिन का पैगाम है जी। और समझ के साथ अगर आप उस किताब को शुरू करें तो समझ के साथ आप 5 सालों में पूरी बाइबल को पढ़ सकते हैं। जबरदस्त। तो एक बड़े प्रोग्राम के तहत काम करते हैं, तो मैंने उसमें इतने साल उसको प्रिंटिंग में, उसको तैयार करने में काम किया है। दूसरा जो आपने सवाल किया, दूसरा जो स्क्रिप्चर यूनियन का बड़ा मकसद था वो ये था कि जो हमारे बच्चे हैं उनको मसीही तालीम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और वो हम संडे स्कूल खुद भी करवाते थे, स्कूलों में जाकर बच्चों को बाइबल पढ़ाते थे, गर्मियों की छुट्टियों में हम वेकेशन बाइबल स्कूल जो है ना वो अभी भी हो रहे हैं, करते थे। और हर साल कोई मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 हज़ार बच्चों तक खुदा का कलाम पहुंचाते थे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये नहीं थे कि हम अपने ऊपर हम ये कर रहे हैं, संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग्स मुनक्कद करते थे, यानी चर्चेस के जो संडे स्कूल के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और दी जा रही है। और दो मुझे ट्रेनिंग्स याद हैं, एक दफ़ा हम ट्रेनिंग्स करवाने के लिए क्वेटा गए और वहाँ पे हमें कहते थे जी ये पहला कोई बंदा आया जिसने संडे स्कूल टीचर ट्रेनिंग की बात की है। तो पहले दिन जो ट्रेनिंग का दिन था, हमने 3 दिन की ट्रेनिंग की, पहले दिन हमारे पास 35 लोग आए, खबर फैल गई, अगले दिन वहाँ 105 लोग थे। तो हमें जहाँ ट्रेनिंग जिसने हमें बुलाया था उन्हें एक कमरा दिया हुआ था, हम फिर वहाँ से सेंट मेरीज चर्च है वहाँ शिफ्ट हुए और हमने वो ट्रेनिंग करवाई। फिर उसके बाद एक मुल्तान में ट्रेनिंग हुई हमारी बैतनी चर्च के साथ, वहाँ पर भी 105 लोग थे जिनको ट्रेनिंग दी। लेकिन 40, 30, 35 का ग्रुप जो है ना वो हम ट्रेन करते रहे हैं। और हर साल तकरीबन 200 से 300 लोगों को संडे स्कूल टीचर ट्रेनिंग दी है, तो मैंने खुद अपने हाथों से इस खिदमत को की है। डॉक्टर साहब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे खुदावन ने जी 3 बच्चे दिए हैं और एक बेटा है जो बड़ा है जी जी। 2 बेटियां हैं। तो वो क्या करते हैं? बेटा मेरा जो है उसने FC कॉलेज से मैस कम्युनिकेशन में BSA ऑनर्स किया है और इस वक्त वो माइनर उसका एजुकेशन था। और यहाँ हमारे एरिया में एक स्कूल है केयर चैनल, उसमें इस वक्त वो कोऑर्डिनेटर है। और बेटी जो है उसने वो डॉक्टर है और खुदा उनका शुक्र है कि इस वक्त वो UCH में। अच्छा, आपने ही महकमे में चले हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वो ये है कि और आप क्या चाहते हैं कि आपका छोटी बेटी है ना वो अभी A लेवल्स कर रही है। गुड। आप क्या सोचते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है जो इस वक्त अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई तो मकसद होता है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और आप ऐसे ऐसे फील्ड में गए हैं जहाँ पे एजुकेशन का नाम ही नहीं है और वहाँ जाके आप लोगों ने एजुकेशन दी है उन लोगों को, आप क्या सोचते हैं कि एजुकेशन हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है? मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा मौके देता है, उन मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। एजुकेशन जो है वो ही
एक ऐसा तरीक़ाकार है कि हमारी मसीही जो कम्युनिटी है या मसीही कौम जो है वो पाकिस्तान में तरक्की कर सकती है। ऐसा ही है। और आई मीन मेरे पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमें जो 5 भाई हैं हमें खुदा ने मौका दिया कि मास्टर डिग्री तक पहुंचे। व्यूअर्स, मैं भी यही बताना चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन का क्या काम है, क्या रोल है। एजुकेशन के बगैर हम कहीं सरवाइव नहीं कर सकते। सो आप एजुकेशन के लिए स्टारफिश वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग इसको नहीं हासिल कर पा रहे या हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई वसाइल नहीं है, आप इनसे मिल सकते हैं, आप चैनल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप एजुकेशन को हासिल करेंगे तो खुदावंद हमारी हेल्प करेगा, हम बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं दानिशमंद वास्ती साहब आपको दूंगा कि आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा गिला भी है क्योंकि हमारे पास इस वक्त 47 स्कूल हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसीही इलाकों में जहाँ जो हमारी मसीही कम्युनिटी है वो खोले गए हैं, और शुक्र है खुदावंद का कि 11,000 बच्चे जो है ना उनमें तालीम दी जा रही है, लेकिन बहुत से बच्चे अभी तक मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं। यानी ये 11,000 से 22,000 बच्चे भी आ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम जगह मुहैया करना चाहते हैं, हम उन स्कूलों के साथ खड़े हैं, हम पार्टनर्स हैं उनके। और ये है कि जब हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं जी ये फीस नहीं देते, हम कहते हैं कोई फीस का फिक्र ना करें, लेकिन वो कहते हैं जी उनके पेरेंट्स जो है ना वो नहीं भेजते। तो आज मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदान खुशहाल हो, मसीही कौम खुशहाल हो, हमारी इज़्ज़त में इजाफा हो, तो तालीम ही एक ऐसा मौका है जो कि हमें इससे बाहर निकाल सकता है। बेशक शायद यहाँ पे कहना इतना मुनासिब ना लगे, लेकिन इलामा इकबाल का एक कॉल है और उसमें मैं उसको बहुत वैल्यू देता हूँ। वो कहते हैं कि तालीम की जस्तजू जिस रंग में भी हो वो इबादत की एक शक्ल है। ज़बरदस्त है। व्यूअर्स, आपको बताना चाहता हूं कि आज एजुकेशन के हवाले से ये प्रोग्राम था। स्टारफिश में ये नेशनल डायरेक्टर हैं और ख़ुद रेवरेंट डॉक्टर दानिशमंद वास्ती साहब ने ऑफर की है कि आप लोग तालीम के लिए ज़रूर आएं, और अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप हमारे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अगर ये प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमें, और हमें बताइएगा कि नेशनल न्यूज़ नामा के हवाले से हम मज़ीद जो एजुकेशन पे प्रोग्राम करना चाह रहे हैं आप उसके हवाले से भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।